हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने देहरादून के ससुराल से। और जैसे कि आप लोगों को पता है, कल रात को हम लोग आ गए थे जोशीमठ से देहरादून। तो आज है जैसे कि 22 जनवरी, तो जय श्री राम। और आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार पे, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा। साथ में आज के जो प्रोग्राम्स होंगे हम वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो चलते हैं फिर फटाफट से, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये हमारी कॉलोनी के बाहर का शिव मंदिर है और आप देख सकते हो यहाँ पर भी श्री राम के जोर शोर से नारे लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। कि क्या मिला आपको, दिखाओ। मिला, वाह। और साथ में मिली है गर्मा गर्म चाय, मजा आ गया। तो सफर हमारा ऐसे ही काफी अच्छा जाने वाला है, चले फिर। आज के दिन आपको हर जगह, हर दुकानों में, हर गाड़ियों में आपको भव्य तिरंगा लहराएगा जिसमें लिखा होगा जय श्री राम। और ये देख सकते हैं आप, हम हिंदुओं के मन में कितनी आस्था श्रद्धा है श्री राम को लेके, तो लोग अपनी खुशी इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। तो ये देख के तो सच में एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। चलते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरिद्वार में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद बांट रहे हैं। कोई हलवा बांट रहा है, कोई खीर बांट रहा था रास्ते में, कोई कड़ी चावल बांट रहा था, कोई छोले बांट रहे थे, ऐसे करके चाय दे रहे थे लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। हम पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी में और हमें लेने हैं गंगा जल के लिए डब्बे। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में और हमने गंगा जल भरने के लिए डब्बे भी ले लिए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले पार्किंग ढूंढते हैं। आज हम आए हैं फोर व्हीलर में, तो फोर व्हीलर की पार्किंग आज तो बहुत मुश्किल से मिलेगी क्योंकि आज तो 22 जनवरी है, काफ़ी श्रद्धालु आए होंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं। सो गाइस, हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं हरिद्वार में और आप यहाँ की ये मार्केट देख सकते हो कितनी चहल पहल हो रखी है। और यहाँ जगह जगह पे भंडारा हो रहा है आज। यहाँ के ये भवन भी देख सकते हैं आप, कितने सुंदर भवन बनाए गए हैं। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हर की पैड़ी में गंगा जल लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आगे राम मंदिर है, तो राम मंदिर ये हरिद्वार की मार्केट और ये काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। साथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मंदिर का जो सामान होता है वो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, वो भी आपको एकदम सस्ते दाम में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शंख की भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, साथ में मालाओं की भी आपको अलग अलग मालाएं देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। साथ में आप चाहे तो यहाँ पे कपड़े भी ले सकते हैं, उनका भी रेट्स रीज़नेबल रेट है। और आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो चलिए फिर, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, चलते हैं। ले लिया कॉटन कैंडी, क्या है ये कॉटन कैंडी, मतलब क्या होता है? हम लोग पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी में। कहा जाता है कि ये हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहाँ की जो अमृत जो था वो यहाँ पर बूंद गिरी थी, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पवित्र जगह जो कहा जाता है वो है हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड, ऐसी मान्यताओं में कहा गया है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने टीका भी लगा लिया है आते, तो चलिए अब आगे बढ़े। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मंदिर स्थल बनाए गए हैं और आज यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है श्री राम मंदिर जी का स्थल।
ये है हर की पौड़ी और कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए और साथ में लेके आएंगे गंगा जल। कहा जाता है यहाँ का गंगा जल बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुद्ध होता है। हमने ले लिया है गंगा जल और अब चलते हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो बाहर मिलता है, तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी रैली निकल रखी है आज रोडों पे, तो यहाँ पे लोगों ने रथ में बिठाए हैं श्री राम जी को और सीता मैया को और लेके चले हैं, तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, तो बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ निकाल रखी थी लोगों ने राम जी के प्रति। सो गाइस, अब हम खा रहे हैं कड़ी चावल और वो भी हमें भंडारे से मिला है, तो भंडारा का खाना तो कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और यहाँ ये खा रहे खीर, साथ में खीर भी दिया उन्होंने हमें। बहुत टेस्टी हो रहा है, आज हम सुबह से भंडारे का ही खाना खा रहे हैं। खाना भी चाहिए, अच्छा होता है बोलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे घर पे और अब करते हैं हम पूजा की तैयारी। साथ में आज जलाएंगे हम दिए क्योंकि आज 500 साल बाद श्री राम जी आए हैं घर पे, तो आज हम पूरा घर सजाएंगे दियों से, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आपने भी मजे किए होंगे, एंजॉय किए होंगे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जय श्री राम।